आज के दौर का जो जमाना है वो जमाना सॉफ्ट पावर का है। यही वजह है कि भारत के वजीर आजम जब रशिया पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो पहले ही रशिया में पहुंच गई। वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। वेस्ट जेलस हो रहा है, मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है। दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वेस्ट इज वॉचिंग पीएम मोदीज मॉस्को विजिट विद जेलसी। इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट, उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए, डिस्कस करने। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा, चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। इंडियन डायस्पोरा है वो आपको नजर आएगा आज मॉस्को के अंदर हर जगह। आप तो हिंदी में बोल देते हैं, कितने लोग बोलते हैं इंग्लिश एंड हिंदी? तो सब ने कितने साल प्रैक्टिस किया? अलग अलग 10 साल 30 साल से भी है। अच्छा, भारत में कितने लोग आए? हिंदुस्तान को सब लोग हिंदुस्तान पहुंचे हुए हैं। रशियन जो लड़कियां हैं उन्होंने इंडियन ड्रेसेस पहने हुए हैं। एक फेस्टिवल है ये, एक दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है कि इसे निकाल दो। कि मैं समझता हूँ कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। और इस वक्त क्रेमलिन से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, रशिया की बिग स्टेटमेंट ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मॉस्को। रशिया की तरफ से कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। वेस्ट जेलस हो रहा है, मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है क्योंकि भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री जा रहे हैं मॉस्को के विजिट पर। और ये स्टेटमेंट आई है क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन की तरफ से। दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वेस्ट इज वॉचिंग पीएम मोदीज मॉस्को विजिट विद जेलसी। अब ये बात क्या किस उस पे कही गई है और ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, यही नहीं बल्कि साथ में दमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि वेस्ट इस विजिट को मॉनिटर भी कर रहा है। तो जनाब, मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं, पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसे तो मेरा सवाल ये होगा कि जो क्रेमलिन ने ये कहा, क्रेमलिन आप जानते हैं कि जो पुतिन जहाँ पर होते हैं जिस जगह पर, उनके ऑफिस को, वहाँ के स्पोक्स पर्सन को ये कहा जाता है कि ये क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आई, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो सिर्फ ये भी उन्होंने साथ में कहा कि रशिया इज एक्सपेक्टिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल फ्लैश्ड विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मॉस्को फॉर समिट लेवल टॉक्स विद प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुतिन विद द क्रेमलिन एंड वेस्ट इज वॉचिंग दिस ट्रिप विद जेलसी। तो मेरा सवाल ये होगा कि जेलस कौन और नहीं है, सिर्फ वेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या चीन जेलस नहीं है?
चाइना को इस वक्त प्रॉब्लम नहीं हो रही? चाइना का तो बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो, क्योंकि चीन को बहुत चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी, और ये आखिर इतने नज़दीक फिर से क्यों आ रहे हैं? फिर से क्या, वो तो अलहदा कभी हुआ ही नहीं थे सर, उनमें अलहदगी नहीं हुई थी। दोनों कंट्रीज एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे जो इस चीज को जामन करेगा कि रशिया के जो भी रिलेशनशिप चाइना के साथ होंगे, लेकिन दे विल मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद इंडिया। वो जो रशिया और चाइना का जो चीजें आपस में अलायंस पड़ता जा रहा है उसको डिफ्यूज करने के लिए कल ये चीजें होंगी। तीसरी चीज मैंने अगले दिन भी आपको कब बताया था चीमा साहब, जो तीसरी चीज इसमें आएगी जो मेरे अमेरिकन भाईजान के ऊपर आखिरी तमाचा होगा भारत का, वो ये होगा कि चाइना और भारत अपने बॉर्डर चीजों को सेटल कर लेंगे, रिलेशनशिप बेहतर कर लेंगे, आप फारिग हो जाएंगे, आप फिर तालियां बजाते दुबई और लंदन की सड़कों पर। आपने बड़ी खूबसूरती से भारत की दुश्मनी बेची है चाइना को, बड़े बेची है। बड़े प्लाजे आपने दुबई में बनाए सिर्फ इस वजह से, लंदन में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई सिर्फ ओए इंडिया ये कर देंगे वो कर देंगे, ये जहाज आ रहा है हमने जहाज बना लिए, हमने जहाज चाइना के साथ कट्टे बना लिए, हमने टैंक बना लिए, फला स्वा बनाया, सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाया, और आपने क्या बनाना था। लेकिन चीमा साहब ये तो हाल था इस ट्रिप का, और इस ट्रिप को मैं समझता हूं कि इस लैंडमार्क ट्रिप है। अगर आप अपने पांव मोदी साहब और किसी भी नेशनलिस्ट इंडियन के जूतों में डाल के देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, और चाहिए था, जरूरत थी। दो चीजें इसमें यहां पे मजीद बताना चाहूंगा। इस वक्त चीमा साहब रशिया की इकॉनमी आसमान को हाथ लगा रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी आफ्टर आपकी सेंक्शंस अमेरिका ने जो लगाई थी, उसके बाद जितना पैसा उन्होंने बनाया उसकी हद कोई नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत की उड़ती हुई इकॉनमी, दो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज आपस में मिल रहे हैं, चाइना के बारे में डिस्कस हो रहा है, और मैं इसको यहीं से स्मेल कर रहा हूं कि इंडिया रिजॉल्विंग देयर इश्यूज विद चाइना इन द फ्यूचर। और मुझे आपके दो गुर्दे तो बेच दिए गए, हो सकता है आपका लिवर भी बेच दिया गया हो किसी अच्छी से ठंडे माहौल में बैठ के, IMF ना ले रहा हो तो कोई और ले लेगा, लेकिन ये कि आपके हालात अब आपके डिस्कस करना चाहता हूं। आप आज कहां हैं चीमा साहब? इस्लामाबाद के अंदर सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें सेनेटर सलीम मांडेवाला ने एक रेजोल्यूशन पेश किया है कि इस्लामाबाद क्लब के अंदर दूसरी बीवी और तीसरी बीवी को फ्री मेंबरशिप दी जाए। आपका नेशनल प्रॉब्लम ये है कि दूसरी और तीसरी बीवी को इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप दी। दूसरा आपकी हालत जिसको मैं देख के यहां पे पहले भी सारा दिन परेशान जख्मी होता हूं, सिविल एविएशन का एक डॉक्टर जो PIA के पायलट्स का लाइसेंस देता है उसको आप खुद अपने कानों से बहरा था। आप कहते हैं आपकी फ्लाइटें यूरोप में क्यों बैन है, आपकी फ्लाइटें अमेरिका में क्यों बैन है, ये जवाब है उसका कि जो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी का डॉक्टर है वो कानों से बहरा है। होगा किसी का रिश्तेदार? दोस्तों, रशिया की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का सनातनिक तरीके से स्वागत देखकर केवल पाकिस्तान ही नहीं पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड सदमे में है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी कल के दिन रशिया में पहुंच चुके हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया की राजधानी मॉस्को में है। रशियन प्रोटोकॉल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी का एयरपोर्ट पर बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं कई रशियन नागरिकों ने अपने देश में प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय संस्कृति और सनातनी संस्कृति के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो वहां पर मौजूद कई रशियन महिलाओं ने भारतीय पोशाक धारण करके हरे कृष्णा हरे राम के भजन गाए, और इसके अलावा भी कई रशियन और भारतीय महिलाओं ने मिलकर गुजराती गानों के ऊपर गरबा लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। दोस्तों, माहौल इस प्रकार का हो गया था कि वहां पर स्वागत करने वालों में भारतीय लोगों से ज्यादा रशियन लोग इंडियन कपड़े पहनकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत कर रहे थे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी की रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है,
और इसमें कई बड़े बड़े समझौते साइन किए जाने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।